हैं कि साथ न रहें, और इसी तरह से हम अलग अलग जगहों पर पहुंच रहे हैं। पटना हमने आपको बताया, पटना में दो लोग चाहते हैं साथ रहें, दो एक चाहते हैं ना। अब हम रुक कर रहे हैं आरा का। आरा में किसानों का मानना है कि इन लोगों के विकास के लिए नीतीश बीजेपी का अलग होना जरूरी है। वे नहीं चाहते कि अब गठबंधन वाली सरकार वापस आए। बिहार में सीट बंटवारे को लेकर बीजेपी और नीतीश कुमार के बीच खींचतान चल रही है। हम आरा में किसानों के बीच खड़े हैं। किसानों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि उनको क्या लगता है कि सरकार में किसे रहना चाहिए, बीजेपी को या नीतीश कुमार को। ये बताइए, आपकी क्या लगता है, आपको किसे सरकार में रहना चाहिए, बीजेपी या नीतीश कुमार को? सरकार में हम लोग को कुछ सुविधा मिल रहा है, रोड नाले सब का व्यवस्था कर रहे हैं। सीट बंटवारे को लेकर खींचतान चल रहा है, क्या लगता है आपको? तो चल रहा है, ही रहा है। बीजेपी में तो वो भी हैं, नीतीश कुमार भी तो आकर के बीजेपी में मिल गए। दोनों साथ रहेंगे या अलग हो जाएंगे? हमें तो ऐसा है कि अलग हो जाएंगे। अलग हो जाएंगे? हाँ। तो क्या लगता है आपको कि दोनों को अलग हो जाना चाहिए? हाँ, अलग हो जाना चाहिए। तो नीतीश किस गठबंधन में जाएंगे, किसके साथ गठबंधन करेंगे आप? उनको RJD के साथ होना चाहिए। हाँ, नहीं, दोनों को साथ में नहीं लाना चाहिए। इसलिए कि बीजेपी को जब एक सरकार बनेगा तो अपना सुविधा अपना ढंग से करेंगे। आई नीतीश कुमार जो हमारे बीच सरकार नीतीश कुमार को है, ये कुछ ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। शिक्षा में भी सुधार नहीं किए और ना किसान के लिए नहर में पानी दिवा दे रहे हैं, विदा कर रहे हैं। नीतीश कुमार को अपना बना करके रहना चाहिए, अपना अकेले सरकार बनाए। किसी के साथ गठबंधन करने से क्या फायदा है? वो कुछ करना चाहते हैं, गठबंधन में कुछ और होना चाहता है, सामंजस्य बन नहीं पाता है एक दूसरे के साथ। क्या लगता है, बीजेपी और नीतीश कुमार को साथ रहना चाहिए? नहीं, बीजेपी और नीतीश कुमार को साथ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि बीजेपी अपने ढंग से कार्य करेगा, ये अपने ढंग से कार्य करना चाहते हैं। अलग रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो अपना पार्टी अलग रहेगा तो अपना ढंग से काम करेगा। तो नीतीश कुमार किसके साथ जाएंगे? वो अपना पार्टी अलग भी बनाए। इनको अलग होने में ही सुविधा है। क्यों? एकल सरकार होने से कुछ यहाँ पर सुविधा मिलेगी हम लोग को। अभी क्या चल रहा है कि इनका जो भी कार्यक्रम चलता है मनमानी ढंग से चलता है, किसानों को कोई सुविधा नहीं मिल पाती है, नहर है, नहर में पानी नहीं आती है समय से, और जो भी सुविधा आती है ऊपर से हम लोग के पास पहुंच नहीं पाती है। तो बिहार की जनता के बीच हम पहुंचे, उनसे पूछ रहे हैं कि क्या नीतीश और बीजेपी को साथ रहना चाहिए। पटना की आपने राय देखी, दो उनके पक्ष में थे, एक खिलाफ। अब देखते हैं क्या है आरा की राय। जी हां, पटना में देखा था आपने मूड, और आरा में एक तरफा मूड है। पांच लोग चाहते हैं कि नहीं, ये साथ न रहें। नीतीश के लिए संदेश आरा की जनता का कि ये लोग न रहें। पटना, आरा, अब हम रुक करते हैं सहरसा का। जी हां, बिहार के सहरसा में लोगों का कहना है कि दोनों के गठबंधन के कारण बिहार का विकास संभव है।